हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के डिजी टच कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि ये एक डिस्प्ले वाला फ्रिज है और ये सिंगल डोर का फ्रिज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यू मॉडल का फ्रिज है। आप देख सकते हैं इसमें एक एरर का फॉल्ट आया हुआ है। तो ये एरर जो फॉल्ट आ रहा है आपके इस फ्रिज में, तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या इशू है, आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 4-स्टार रेटिंग का ये रेफ्रिजरेटर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में हम बात करेंगे तो बिल्कुल ही ये फ्रिज आपका डेड है और इसका लाइट वगैरह चालू तो रहेगा, लेकिन इसमें कूलिंग परफेक्ट नहीं होगा और कूलिंग यानी कि कंप्रेसर ही चालू नहीं होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर में एक सेंसर लगा होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंसर एक साइड में लगा होता है, नीचे के साइड में नहीं होता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड में यहाँ ऊपर की साइड में लगा होता है, जैसा कि आपको वायर दिख रहा होगा। तो इसमें जो है ये डिस्प्ले जो है उसको आपको ये देखना है कि ये डिस्प्ले जो है ये कितने नंबर पर एरर शो हो रही है। जैसे कि ऊपर से 3रे नंबर पर है और नीचे से 4थे नंबर पे, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये एरर जब शो होगा तो आपकी फ्रिज में बिल्कुल ही कूलिंग नहीं होगा और आपका फ्रिज स्टार्ट ही नहीं होगा, तो कूलिंग कहाँ से होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे के साइड में अगर हम बात करेंगे तो हम इसके पीछे के साइड में भी हम देखते हैं, इसमें जो है कंप्रेसर लगा हुआ है। ये न्यू मॉडल का लेटेस्ट मॉडल छोटा कंप्रेसर आता है, इसमें NN3-34 करके ऐसा कंप्रेसर आता है। तो ये बिल्कुल ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आगे एरर शो हो रहा है और साथ ही यहाँ पे एक PCB लगी होती है। अगर इस मॉडल में अगर कुछ सेंसर वगैरह का प्रॉब्लम होता है या फिर कंप्रेसर का फॉल्ट होता है, तो इस मॉडल में अगर सेंसर वगैरह प्रॉब्लम होता है तो वो इस डिस्प्ले पर शो करेगा। अगर कंप्रेसर में फॉल्ट होता है तो वो PCB में पीछे की साइड में PCB जो लगी है उसमें शो करेगा। उसमें एक LED लगी होती है, वो LED के ज़रिए आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको फाइन कर सकते हैं कि आपके इस फ्रिज में क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंसर ख़राब है। इसका जो कूलिंग कॉइल में जो इवो ऑपरेटर में जो सेंसर लगा होता है, वो सेंसर ये ख़राब हो चुका है। आप उसको बदली करेंगे तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कोई अभी इसके सेंसर को हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आपको हम दिखाते हैं स्टार्ट करके। तो हम पहले फ्रिज को ऑफ़ कर देंगे, पूरी टोटली ऑफ़ करना है। जैसा कि मैं अभी इसको ऑफ़ कर दिया, अब ये थोड़ी सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो है डिस्प्ले जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, पूरा फ्रिज ऑफ़ हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं अभी ये ऑफ़ हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर के साइड में हम जाएंगे। अंदर के साइड में जो यहाँ पे कूलिंग कॉइल का जो एक ही सेंसर आता है इसमें, तो दोस्तों हमने इसमें दूसरा एक नया सेंसर फिट कर दिया है, क्योंकि वो जो पुराना सेंसर था उसका पॉइंट वैल्यू शो नहीं हो रही थी। तो हम उसको वापस दूसरा नया सेंसर यहाँ पे फिट करके हम देखते हैं। हमने फिट कर दिया है, इसका जो सेंसर का जो सॉकेट आता है वो यहाँ पर आएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सॉकेट लगा होता है। इसका जो पुराना सेंसर था उसमें पॉइंट वैल्यू शो नहीं हो रही थी, इसकी वजह से ये फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, अब ये फ्रिज बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर चालू हो चुकी है। अगर इसमें फॉल्ट सेंसर का होता है तो तुरंत इमीडिएटली ये नंबर पे ऊपर से 3 नंबर नीचे से 4 नंबर पे लाइट ब्लिंक होना शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल ही ब्लिंक नहीं हो रही है अब, यानी कि हमारा ये फ्रिज प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसका कंप्रेसर 2 से 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद आपके फ्रिज में परफेक्ट कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम काफ़ी सारे एरर के बारे में भी बात करेंगे। तो इस मॉडल में अगर कंप्रेसर का फॉल्ट आता है तो उसका क्या एरर होगा,
और नई नई जो भी मॉडल्स में आते हैं, जो भी एरर आएंगे, धीरे धीरे वो सब वीडियो आती रहेंगी। जैसे जैसे हमको फॉल्ट फाइंड मिलेगा उस हिसाब से हम वो वीडियो बनाएंगे और जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।